एक्सपर्ट साथ हैं और माफी कीजिए खांसी भी हमारे साथ ही है और हम लोग अब चलते हैं जरा इस तरफ की, हम देखते हैं कि हमें अब अपनी एक वो ये पूछना है कि आज का मैच तो हो गया, बांग्लादेश तो चली गई उसके अंदर, लेकिन अब जो अब कल क्या होने वाला है इसके बारे में हमने सोचना है। पहले आज का तो पता चले भाईजान जो सब हार गए नहीं नहीं पहले ये देखते ना कल किसने क्या कहा था इसके बारे में देख लेते, जरा जरा दिखाएगा हमें कल किसने क्या कहा था भाई। भैया इंग्लैंड मैच जीतेगा, फाते इंग्लैंड होगा, इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा है। बासित अली इंग्लैंड, इंग्लैंड जीते, इंग्लैंड इनके साथ, आपकी राय भी इंग्लैंड के ऊपर है, इंग्लैंड जीतेगा। सिर्फ वो सिम्बा ठीक हुआ है, अब क्या करें, सारे के सारे इल्म फना फिल्ला हो गए, सब के सब गलत हो गए। चलिए अब पूछते हैं, ये पहले बासी भाई शुक्र, बासी भाई ये हुआ क्या है? ये अब बहुत बड़ा अपसेट हुआ। अच्छा, आप सबके साथ? खुशी खुशी बता रहे हैं, अभी 20 मिनट है खाना शुरू होने में, तो थोड़ा सा वेट किया जाए। अच्छा अच्छा, आप कैसे देखते हैं फरहान? आप, मैं तो उमर भाई क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ। नहीं आज क्या हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं? ये वैसे तो जनरली अपसेट है, लेकिन जिस तरह की फॉर्म चल रही थी मेरा तो नहीं ख्याल कोई अपसेट है। इंग्लैंड बहुत मॉरली डाउन है ना, वो कभी डाउन की बैटिंग चल सकी है, अगर बैटिंग चली भी है तो चेज हो गया है और 150 पे आउट हो रहे हैं, फिर न्यूजीलैंड जो भी उनके साथ वन साइडेड, तो बांग्लादेश हमेशा वो टीम रही है जो अंडर डॉग्स में से हमेशा ऊपर जा रही है, और एक आयरलैंड है दूसरी टीम जिसका मुझे डर भी लग रहा है, पाकिस्तान के साथ मैच है, इंशाल्लाह हम बहुत उन्हें धोएंगे, लेकिन वो टीम अच्छी है, आने वाले वक्तों में आयरलैंड विल कम आउट एज अ वेरी गुड टीम। तो बांग्लादेश वैसे तो अपसेट है, इतने लोग अपसेट हो गए हैं उसकी वजह से, लेकिन लेकिन इंशाल्लाह हम बेहतरी तिन्नो हो रही ना पाकि इन पाकिस्तान ये बांग्लादेश जीतन बढ़िया और पाकिस्तान या अभी यह नूरी वर्ल्ड कप जीतन शरीर की ख्वाहिश अन्य और अभी है इन्ने बाम तो ऊपर इन्ने ना 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 बढ़ किल्ले बढ़ वाये ना बाय लड़के बिल्ले बाम रहा हूँ वो डागरी है लड़ना बापर तो सोगुरो तातनी है ना मामा या रोगो संगर पाई ना इन्ना ना हाँ जी शाह साहब आप क्या फरमाएंगे? मेरे महदूद इलम की रोशनी में कल का मैच इंडिया का और आयरलैंड का है जी, और मेरे महदूद इलम की रोशनी में कल का फाते इंडिया होगा, भारत। इंडिया का नान मिया, कल के मैच में मेरे ख्याल से इंडिया के चांसेस ज्यादा है जीतने के। हुमायूं महबूब साहब जी, उमर भाई बाहुकम अल्लाह, इंडिया फाते लगता है कल का। यार आप इतने सीरियसली ठंडे सांस भर के नहीं क्या वजह क्या है, ठंडे सांस की वजह क्या थी? ठंडे सांस की वजह ये है कि उमर भाई माहौल बड़ा ठंडा हुआ हुआ है, कल की प्रेडिक्शन जो आपकी गलत हुई है वो सब आप भी उसमें शामिल थे, आपने भी यहाँ फरहान वो मोहम्मद इरफान और राहत अली बन के दी, कल इन दोनों ने पूछा ना, हमसे भी पूछा, हमसे भी, ये दोनों भी गलत हुए। जिनका अपने काम में नहीं चलता कोई इक्का, वो प्रोग्राम में बैठ के दे रहे होते तुक्का। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, ये भाई भाई इंसान को राजी पर रजाए अल्लाह रहना चाहिए, और जब अल्लाह के जो फैसले होते हैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन या इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, ये आपको मैं अल्लाह के फैसलों पे तो हम बिल्कुल वो है कि वो तो ये अल्लाह का तो फैसला हुआ है, हम तो उन पे कह रहे आप बासित भाई
तामी मुझे इनको देखो अपने अपने काम से गर्ज होनी चाहिए। क्यों मर भाई? सही बात, बिल्कुल बेशक सही कह रहे आप। वैसे नहीं लेने चाहिए, आगे अल्लाह करम करेगा। वैसे अल्लाह हमेशा करम करता है। वैसे हुमायूं भाई उन्हें कान में डांट पड़ चुकी है। अच्छा भाई वो अपने बात यह है कि कामरान भाई आप कामयाब बताइए प्लीज। इंडिया जीतेगा है? इंडिया जीतेगा, वो भी कह रहे हैं इंडिया जीतेगा। शाम में तो आयलैंड बोला था, आज भी इंडिया। इसकी बात हो गई है ना मां। अब मुझे बताए जितने भी इंडिया आयलैंड के मैच हो गए आप आयलैंड बोलेंगे? मैं तो इंडिया ही बोलूंगा। अच्छा जी आप क्या कहते हैं फरहान, आप क्या कहते हैं? मैं तो उमर भाई इंडिया जीतेगा, इंशाल्लाह जीतना भी चाहिए क्योंकि आयरलैंड जीत गया तो गलत हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए गलत नहीं होना चाहिए, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वही होना चाहिए। बिल्कुल। आप मोहतरमा क्या फरमाएंगे? मैं मेरी भी तो बड़ी शॉकिंग सी बात है सुनने को पता चला, इस दफा इंडिया के लिए दुआएं होनी है कि इंडिया जीत जाए। मेरे ख्याल है तो मैं भी दुआ करूंगी कि इंडिया जीत जाए। नहीं हम इस जगह पे आ गए हैं कि हमें अपने दूसरे लोगों के लिए अपने दुआ करनी पड़ रही है। बिल्कुल उमर भाई, दुआ इसलिए कर रहे हैं कि सेमीफाइनल में दोबारा मिले और हम अपना बदला चुका है। उमर भाई वैसे इंडिया के लिए दुआ ना करें, वो तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। नहीं करें, चंदा इकट्ठा करें। वो हमारा काम नहीं है वैसे। नहीं नहीं हम करें क्या? वो दो मौजूद है ना वहाँ पे। नहीं नहीं हम करें क्या? अब हमारी सिचुएशन ऐसी है, अगर सिचुएशन ऐसी हो गई अगर वो जीत जाए तो यूं हो जाएगा यूं। आपकी टीम अभी बिल्कुल आराम से, कोई डरने की बात नहीं है। जो आखिरी मैच में इंशाल्लाह हम आयरलैंड को आराम से हराएंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप टेंशन ना लें। मैं टेंशन नहीं ले रहा, मैं तो सीधे सीधे टेंशन देने की है सर। मैं टेंशन नहीं ले रहा, मैं सीधे सीधे इस प्रोग्राम के पैसे ले रहा हूँ। ऐसा मसला नहीं। इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे? वो इनकम टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1976 से देता हूँ। यही तो खूबी है, यही तो खूबी है। इनकम टैक्स वाले आइए चलते हैं जानवरों के पास। उनसे पूछते हैं कि इंसानों के हालात क्या है। हाँ जी चिंकी और जम्बा। ये तो बताओ कल मैच है आयरलैंड और इंडिया का, भला कौन सी टीम जीतेगी? नन्हे मियाँ कह रहे हैं इंडिया जीतेगी। अरे खड़ा हुआ इंडिया की तरफ और कह रहा है ये बुरा मैच हो गया। मैं बोल रहा हूँ ये हुआ क्या है? उमर भाई वो कलर एक जैसे थे, सिर्फ रिंग का फर्क। उमर भाई सबको सिंबस जो है वो आयरलैंड कह रहा हो और उसका दिल जो है वो इंडिया कह रहा हो। जानवर ही जानवर की बात समझ जाता है। बात की आप बुरा के बात आप बुरा नहीं मानिएगा, मेरे भाई है, मेरे छोटे भाई है। बोल रहा है शेर, बोला आपको शेर यार, शेर लायन किंग ऑफ जंगल है। वो शेर जो बकरियों में बताते कहाँ का शेर? नहीं नहीं शेर भी है का? नहीं शेर है वो, उसने आकर के पेशेंट को ही दिया, ऑर्डर नहीं दिया उसने। बड़ी आजीज से बात की है, उसका दिमाग थोड़ा सा इस वक्त बिजी है तो वो इंडिया के। हाँ जी भाई, जी भाई फातिमा ज़रा काश आप देख सके मेरे कान में क्या हो रहा है। फातिमा ज़रा
मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से दुआगो हूँ फरहान के लिए कि अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाए और हमारे इस प्यारी सी मासूम सी फनकारा के लिए जो जब से आई हैं वहाँ पे हिली तक नहीं है जिससे फरहान